ने कहाँ भगे जा रहे हो? मुस्तफा दर्जी ने, मेरी पैंट कमर से तंग सी है, मरम्मत के लिए देने जा रहा हूँ। मुस्तफा दर्जी कपड़ों की मरम्मत नहीं करता। अगर कपड़ा पहना ही नहीं जा सके तो वह किस काम का? मुस्तफा तुमने मेरी पैंट तंग सी है। आपने जो नाप लिखाया था पैंट बिल्कुल उसी नाप की सिली है। पर पैंट 6 महीने बाद मिली, तब तक मेरी तौन बढ़ गई। या आपकी तौन का कसूर है? मरम्मत तो करनी होगी ताकि पैंट पहनी जा सके। ठीक है, इसे छोड़ जाइए। मोगा से मुस्तफा पैंट की मरम्मत करने को राजी हो गया। यह बात तो ऐसी ही है जैसे कि सूरज धूप की बजाय चांदनी बिखेरे। जाकर मुस्तफा से पूछता हूँ। जब रमन 6 महीने तक मेरी दुकान के चक्कर काटेगा तो उसका पेट घट जाएगा और पैंट अपने आप पूरी आ जाएगी। है? रमन, मैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच के 2 टिकट ले आया हूँ, आओ मैच देखने चले। खलीफा, मेरी जगह दफ्तर कौन जाएगा? तुम? मैं तुम्हारे दफ्तर टेलीफोन कर देता हूँ कि तुम आज वहाँ नहीं आ सकते। बढ़िया आइडिया। हेलो सर, रमन बीमार है, वो आज दफ्तर नहीं आ सकेगा। तुम्हारा बॉस पूछ रहा है कि अचानक तुम्हें क्या हो गया। तो हार्ट अटैक हो गया है। हेलो, रमन को अचानक दिल का दौरा पड़ा है। कहो कैसी रही, आओ अब क्रिकेट मैच देखने चला जाए। है बॉस, अस्पताल की इमरजेंसी वैन लेकर इधर क्यों आ रहे हैं? रमन, मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुमसे खच्चर की तरह काम लिया। तुम्हें इलाज की जरूरत है, वैन में बैठो। वो रमन को वैन में डालकर ले गया। अस्पताल में दिन बिताने से अच्छा होता मैं दफ्तर में दिन बिताता। मोगा सिंह, रमन टोकरा भरकर फल घर ले जा रहा है। अब वह समोसे को चौड़िया ले जा रहा है। इस बार बर्फी का थाल। रमन, क्या मोहल्ले के लोगों को दावत खिलाने का प्रोग्राम है? नहीं खलीफा। तो फिर अंदर आओ, मेरी बीवी करवा चौथ के व्रत की तैयारी कर रही है। अपनी पैसों की समस्याओं को हल करने का एक तरीका है कमेटी। क्यों ना हम दफ्तर के कर्मचारी मिलकर कमेटी डालें? वह क्या होता है? हम यहाँ 10 लोग हैं। हर महीने हर सदस्य 100 रुपया कमेटी में देगा, इस तरह 1000 रुपया इकट्ठा हो जाएगा। सब सदस्यों के नाम की चिट्ठी लिखी जाएंगे, जिसके नाम की चिट निकलेगी उसे 1000 रुपए दे दिया जाएगा। यह लो मेरा 100, यह मेरा 100, मेरा 100। मैं सबके नाम की चिट्ठी लिखता हूँ। मिसेस टुटू, कोई सा एक चिट निकालो। मोगा सिंह, मोगा सिंह तुम खुशनसीब हो, पहली कमेटी तुम्हारी निकली। यह लो 1000 रुपए। एक बात समझ में नहीं आई, पहला नाम तुम्हारा क्यों निकला? सारी चिटों पर मैंने अपना ही नाम लिखा था, कोई सी भी चिट उठाते कमेटी मुझे मिलनी थी। कमली, यह क्या है? अपने पड़ोसी मियां बीवी में लड़ाई हो रही है। एक अच्छे पड़ोसी की तरह जाकर हमें बीच बचाव करना चाहिए। तुम कंजूस मक्खी चूस हो, तुम फिजूल खर्च और फूहड़ हो। अरे अरे, झगड़ो नहीं, बात क्या है? 2 महीने से इसने मुझे एक भी फिल्म नहीं दिखाई। मैं खून पसीने की कमाई फिल्मों पर नहीं उड़ा सकता। मोगा सिंह, तुम्हें 2 महीने में भाभी को एक फिल्म जरूर दिखानी चाहिए। तुम ठीक कहते हो रमन, गलती मेरी थी प्रिय, मुझे माफ कर दो। मुझे भी। आओ मैं तुम्हें मैटनी शो दिखाता हूँ। याद है तुमने मुझे 6 महीने से फिल्म नहीं दिखाई। गोफल, पटाका भी हाथ में है और हाथ पैर पर पट्टिया बन गई। शोकी, कल जो पटाका चलाया था ये पट्टिया उसकी वजह से है। क्या वह बम इतना जबरदस्त था? नहीं, कल मेरे पटाखे की आवाज से पहलवान मुगदल की नींद खुल गई और उसने मुझे लाठी से धुन दिया। लेकिन अगर पटाखे दिवाली पर नहीं चलाए तो कब चलाएंगे?
बात तो ठीक है, पर पटाखा रमन अंकल से चलवाया जाए, आवाज से मुग्दल पहलवान की नींद टूटेगी और वह उनकी मरम्मत कर देगा, तमाशा देखेंगे। अंकल क्या यह पटाखा चला देंगे? क्यों नहीं, पटाखा बिल्कुल खिड़की के पास फूटेगा। या लो 50 रुपए मिठाई खाना, मुझे 4 बजे रुस्तम में हिंद के दंगल के खिताब के लिए जाना था। अगर तुम्हारा पटाखा न जगाता तो मेरी कुश्ती छूट जाती। दफ्तर की छुट्टी हो गई मिसेस चूचू, आओ हम दोनों चलकर रेस्तरां में चाय पिए। मिसेस टोटो हमारे साथ चलकर होटल में डिलिका आएगा ब्रह्मान्यम, उसको चलने के लिए पहले मैंने कहा था। तो क्या हुआ जी, उसका अपना मर्जी है कि वह किसी के साथ भी जाए। चूचू मेरे साथ चलो, कटलेट्स और हैमबर्गर भी खाएंगे। चूचू हम एक्सप्रेस कॉफी और मसल दोसा खिलाएगा, पेस्ट्री चॉकलेट और टूटी फ्रूटी, उपमा वड़ा और उत्तपम चॉप। काफी हो चुका, चूचू मेरे साथ जाएगी। कामोश हम और टूटू बेबी जाएगा। रमन सुब्रमण्यम ये कॉन्ट्रैक्ट अर्जेंट है, इसे पूरा कर दो। तुम डंपर एंड डंपर कंपनी की एस्टीमेट बना दो। मिसेस टूटू आओ चलकर 5-स्टार होटल में खाना खाए। दोस्त तुम्हें दाढ़ी अच्छी लगती है, तो तुम भी दाढ़ी रख लो। पहले मैं देखना चाहता हूँ कि दाढ़ी रखकर कैसा लगूंगा। ये लो मेरे पास नकली दाढ़ी मूछ है, इन्हें लगाकर तुम देख सकते हो। सचमुच दाढ़ी मूछ में मैं रोबीला लगता हूँ। अब जरा बाहर का चक्कर लगाऊं और देखूं कि यार दोस्त मुझे पहचानते हैं कि नहीं। यह धनी नाम मेरे पास से निकल गया, उसने मुझे नहीं पहचाना, वरना वह जरूर अपना उधार मांगता। मिट्ठू दे पापा 2 महीने से कहाँ थे, आज तुम्हें पकड़ लिया, चलो घर चलो। मैं मिट्ठू दा पापा नहीं रमन हूँ, तुम्हें गलत फहमी हो गई है। फुटबॉल की टीम तैयार करके भाग गए और अब अपनी बीवी को भी नहीं पहचानते। सीधे अपनी बीवी के साथ जाओ वरना बड़े घर की हवा खानी पड़ेगी। हवलदार साहब मेरे दाढ़ी मूछ नकली है। अरे हाँ बच गए, मैं जैसा हूँ ऐसा ठीक हूँ। कमली भूख लगी है, आज नाश्ता नहीं मिला। महीने के आखिरी दिन है, लेकिन रसोई में कुछ तो होगा, चाय दाल या कुछ चावल ही। सारा राशन खत्म है, तनख्वाह लाओ तो घर में खाना बनेगा। आर्या मोगा सीए दफ्तर में मेरे साथ काम करता है, क्यों ना आज उसके यहाँ खाना खाया जाए, कल तनख्वाह मिलेगी, राशन ले आएंगे। आओ, अरे मोगा सी के घर पर तो ताला लगा है, कहाँ गए वे? अब क्या किया जाए, घर में वापस चलो, आज भूखे सोएंगे। अरे मोगा सी अपने परिवार के साथ तुम हमारे घर पर? घर में राशन खत्म हो गया, सोचा क्यों ना आज तुम्हारे यहाँ खाना खा लिया जाए। आज जोड़ा सच धज कर कहाँ जा रहा है? बापू मेरे बचपन का एक दोस्त मिनिस्टर बन गया है, उसने हमें आमंत्रित किया है। बाय, यात्रा सफल हो। तुम्हारा दोस्त सचमुच बहुत बड़े बंगले में रहता है। मिनिस्टर जो है रमन भाभी स्वागत है। कैराती लाल हम बहुत दिनों बाद मिले, लो अंगूर खाओ, बचपन में तुम्हें पैर भी नसीब नहीं होते थे। मिनिस्टर कागजों पर अंगूठा क्यों लगा रहा है? वह अनपढ़ है, कच्ची पहली में फेल हो गया था। तुमने एमए पास किया और क्लर्क बने, वह अनपढ़ रहा और मिनिस्टर बन गया, तुम भी अनपढ़ क्यों नहीं रहे? रमन क्या कुछ दिनों के लिए तुम मुझे अपने घर में आश्रय नहीं दे सकते? मगर तुम्हारे पास तो इतना बड़ा सरकारी बंगला है, क्या तुम्हें मेरी कुटिया पसंद आएगी? क्योंकि अभी खबर आई है कि कैबिनेट में फेर बदल हुआ है और मैं मिनिस्टर नहीं रहा। गुरु कहाँ भागे जा रहे हो? रमन मुझे एक ऐसे कलाकार की तलाश है जो राम लीला में हनुमान का रोल कर सके। तो फिर वह कलाकार तुम्हारे सामने खड़ा है। मुझे तुम्हारी परीक्षा लेनी पड़ेगी,
कि तुम इतने महत्वपूर्ण पाठ के योग्य हो या नहीं। मैं तैयार हूँ। जानते हो हनुमान ने पहाड़ उठाया था। मैं गृहस्थी का बोझ उठाता हूँ, इतनी महंगाई में ये कोई पर्वत को उठाने के बराबर है। हनुमान ने लंका तक पुल बनाया था। दफ्तर में बॉस की चमचागिरी करके हर रोज उसकी तारीफों के पुल बांधना नहीं थकता। हनुमान ने जोखिम लिया और रावण की राजधानी में जा घुसा। मैं हर रोज खतरों से खेलता हूँ, आतंकवादियों से गोली का खतरा, मिलावटी चीजें खाने से बीमारी का अंदेशा, हवाई जहाज में सफर करे तो हाईजैक का जोखिम। तुम तो सुपर हनुमान निकले। आओ। कुछ कैसे ना हुआ महाराज? मेरे सर में दर्द रहता है, कई दवाइयां खाई मगर फायदा नहीं हुआ। योगा ने हिचकी से लेकर कैंसर तक को ठीक कर दिया है, तुम्हें शीर्षासन करना होगा। मगर मुझे तो वह करना नहीं आता। मैं तुम्हें सहायता करूंगा, तैयार हो जाओ। ठीक है, मैं तुम्हें पकड़े रखता हूँ, गिरने नहीं दूंगा। दूसरी टांग भी ऊपर सीधी करो। महाराज मेरा संतुलन बिगड़ गया, जल्दी आइए। सिर का दर्द कैसा है? वह तो चला गया मगर कमर का दर्द शुरू हो गया। मैं टेलीफोन एक्सचेंज से आया हूँ, क्या आपका फोन खराब है? हाँ, टेलीफोन की घंटी सुनने एक मुद्दत हो गई। अभी इसे ठीक किए देता हूँ। इंस्ट्रूमेंट में कोई खराबी नहीं, शायद लाइन में कोई गड़बड़ी है, जाकर देखता हूँ। टेलीफोन ठीक हो गया। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, मारी भैंस को काली खांसी हो गई है। जनाब मेरे खच्चर को जुकाम हो गया, दवाई बताइए। क्या टेलीफोन ठीक हो गया? हाँ, पर तुमने मवेशी अस्पताल की लाइन हमारे टेलीफोन से मिला दी है। रमन काम क्यों नहीं कर रहे हो? सर मैं हड़ताल पर हूँ, मेरी मांग है कि कार्य दिवस कम किए जाए। मगर 5 दिवस का सप्ताह पहले से ही रखा गया है। दफ्तर में 2 दिन की बजाय 3 दिन की छुट्टी होनी चाहिए। मंजूर है, जाओ काम करो। बुड्ढा बड़ी जल्दी मान गया, मांग बढ़ानी चाहिए। सर जबान फिसल गई थी, हफ्ते में 4 दिन की छुट्टी होनी चाहिए। मंजूर है। हफ्ते में 5 दिन की छुट्टी। मान लिया। 6 दिन की छुट्टी। मंजूर है। हफ्ते में 7 दिन की छुट्टी। फिर मुझे तुम्हें रोकरी पर रखने की जरूरत ही क्या पड़ी है? यह बात तो मैंने सोची ही नहीं।